आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ मिंत्रा के क्वार्ट्ज सेट्स जो कि किसी भी सिंपल ओकेजन के लिए काम आ सकते हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, कोई पूजा हो गई, कीर्तन हो गया, जिस भी ओकेजन के लिए अगर आपको स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक में चाहिए और वो भी बजट के अंदर चाहिए, तो कौन से वाले ब्रांड्स हैं जो मिंत्रा पे ये सब दे रहे हैं। ऊपर से एंड ऑफ सीजन सेल चल रही थी तो मुझे काफी अच्छे रेट्स में मिल गए, बहुत ही पसंद आया। ब्रांड है शेवा ससफराज, ये मैंने स्मॉल साइज में लिया, डोंट नो व्हाई। ये पूरा सेट है 1463 रुपीस का। इसमें आती है एक स्कर्ट भी। पहले मैं आपको टॉप के बारे में बता देती हूँ, ये एक्चुअल प्राइस इसका 4099 है। एंड इसमें पीछे टैसल्स है, अगेन वेरी स्वीट। और इसका जो मटेरियल है वो स्टार्च टाइप का होता है ना, वैसा मटेरियल, पॉली सिल्क लिखा हुआ है इसमें। और इसकी जो डिटेलिंग है वो भी ठीक है, स्वीट सी है, सिंपल सी है। बस मैंने स्मॉल साइज मंगाया इसलिए मुझे उतना फिटिंग अच्छी नहीं आई, आई थिंक मुझे मीडियम की तरफ जाना चाहिए था, ज्यादा अच्छी तरह फिट आता। प्लस 3/4 स्लीव्स है, अगेन यू कैन वेयर बैंगल्स एंड ऑल। स्कर्ट जिसमें अगेन आगे बेल्ट में वर्क हुआ हुआ है एंड पीछे इलास्टिक है तो फिटिंग बहुत आसानी से आएगी। फ्लो बहुत अच्छा है, घेरा बहुत अच्छा है इसमें और नीचे लाइनिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा कैन कैन भी लगा रखा है, उससे बहुत अच्छी फ्लो आ रही है। सो बड़ी परफेक्ट है फॉर डे वेडिंग या डे कोई भी इवेंट हो तो उसके लिए ये कलर्स ऐसे बड़े प्रिटी लगते हैं, दे स्टैंड आउट। ये मुझे काफी पसंद आया था फोटो में और मुझे रियल में भी पसंद आ रहा है जब पहनो तो, लेकिन जब सामने से मैं इसे देखती हूँ ना तो मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। ओवरऑल जब पहन के देखो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इंडिगो डीप, दिस ब्लू कलर लुक्स रियली नाइस, इट्स नॉट इंडिगो बट इट्स अ डीप कलर, डीप ब्लू, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन दिस डिफरेंट स्टाइलिंग, ये जो बीच में गोटा वर्क आ रहा है ये भी अच्छा लग रहा है। प्लस इसका ना बीच में ये चीज ट्रांसपेरेंट है, सो व्हेन यू वेयर द स्कर्ट विद इट तो वो काफी अच्छी मिडरिफ दिख रही है। साइज मीडियम लिया था बट पता नहीं मुझे फिट क्यों नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि मैंने साइज चार्ट भी चेक किया था। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1700 रुपीज, इसमें एक्चुअल प्राइस भी 5000 रुपीज का है। ये स्कर्ट, इसका भी घेरा काफी अच्छा है और इसमें जिप भी है और साइड में डोरी बांधने के लिए भी है, घेरा इसका काफी प्रिटी है। ये जो नीचे का डिजाइन है ये मुझे तब पसंद नहीं आया बट फिर भी जब ओवरऑल लुक आती है तो बहुत ही डिफरेंट लगता है, क्योंकि हम यूजुअली लहंगा चोली में सिंपल चोली मतलब ब्लाउज लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ पेपलम टॉप्स, तो ये पेपलम टॉप का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट, आई वोंट लाई टू यू, आई डिडंट गेट दिस फ्रॉम मिंत्रा बट मैं इसकी पिक्चर प्लेस कर दूंगी। ये मैंने लिया था जनपद, एक शॉप है उस शॉप का नंबर भी मैं लिख दूंगी, जनपद में मिनी मार्केट में। सो मैंने लिया भी नहीं था एक्चुअली, मुझे गिफ्ट दिया था मेरी मॉम ने। और ये है एक्चुअल प्राइस इसका 2449 और इसका आई एम श्योर कि इसका जो प्राइस हमने जनपद से लिया है वो हाफ तो हो गई एटलीस्ट, तो आई एम गेसिंग कि 1500 तक का तो मिला ही होगा। डब्ल्यू का स्क्वाड सेट है, स्कर्ट में भी घेरा गया अच्छा है, बड़ी इंडियन एथनिक है तो अगर आप राजस्थान वगैरह जा रहे हो उसके लिए भी काम आएगा, हल्दी फंक्शंस के लिए बहुत स्वीट लगेगा। अगेन बड़ा स्टाइलिश टाइप है क्योंकि जो ऊपर की जैकेट है ना उससे मेन डिफरेंस आ जाता है, इट्स नॉट अ जैकेट, इट्स अ ब्लाउज विद जिप, सो अगेन इट लुक्स वेरी डिफरेंट। एंड जिसमें प्रिंट है वो इंडियनिश है बट इसमें जो इन्होंने चमचम लगा रखी है उससे एक ब्लिंगी लुक फील भी आ जाती है। एक और सेट है जो मैंने वहां से नहीं लिया, फ्रॉम मिंत्रा नहीं लिया, लेकिन मिंत्रा पे ही अवेलेबल है, शेवा ससफराज का ही है दोनों। ये मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे लिया था बट अगेन मैं इसको इसलिए शो कर रही हूँ तो ताकि आपको आइडिया लगे कि आप और क्या खरीद सकते हो। सो ये भी एक पिंक कलर का सेट है जिसमें ऐसे इंडियन एथनिक मोटिव्स हैं और मटेरियल इसका भी बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा इजी वेयर है, बड़ा लाइट वेट है। अगर आपको लहंगे बहुत हेवी भी पसंद नहीं है, लहंगा चोली, तो आप ऐसा टाइप का कुछ ले सकते हो। इसमें भी डोरी है एंड जिप है फॉर कम्फर्ट। एंड ये मैंने एक्सेल साइज में लिया था तो आराम से मुझे फिट आ जाता है, कोई इशू नहीं है मुझे इसको पहनने में, क्योंकि XXL है इनफैक्ट ये, तब मैंने लिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, काफी ज्यादा मोटा पेट था मेरा। ब्लाउज है वो भी बड़ा स्वीट है और इसके साथ मैंने सिल्वर ज्वेलरी मैच करी थी। एंड इसमें पीछे की तरफ जिप है, आगे वी नेकलाइन है, डीप वी नेकलाइंस लुक वेरी फेमिनिन। सोचा कि कुछ ना ऐसा मॉडर्न टाइप का ट्राई करना चाहिए जो कि यूजुअली हम नहीं ट्राई करते जब भी हम इंडियन वेयर सोचते हैं। शेवा ससफराज जो भी है उसका नाम, तो मेरे को एक्चुअल में बहुत ही डिफरेंट लग रही है, मतलब मुझे लगा था ब्रोकेड जैसी लुक नहीं होती, ब्रोकेड या बनारसी टाइप की फील, वो वैसी नहीं लग रही, थोड़ी चीप लुक लग रही है, लेकिन जब ओवरऑल पहन के देखो तो इट लुक्स रियली नाइस। इसकी जो फिटिंग है वो सब अच्छी है और इसमें जो नीचे गोल्डन ये बॉर्डर टाइप है उससे भी बड़ी डिफरेंट लुक आ रही है। और इसको स्टाइल उन्होंने खुद ही करके दिखाया हुआ था,
विद दिस सैटन शर्ट। जो मैंने पैंट है वो मैंने साइज 32 में ली, अगेन इट फिटेड मी परफेक्टली। आगे से इसका जो वेस्ट है वो नॉर्मल बेल्ट टाइप है और पीछे से इसका प्लास्टिक, सो कंफर्टेबली फिट होती है, देन आगे से बड़ी अच्छी फिटिंग आती है एंड इसमें मैं पतली भी काफी ज्यादा लग रही थी। मुझे पड़ा 1345 रुपीज का। इसमें साइज मैंने लिया स्मॉल विच फिटेड मी परफेक्टली, प्राइस है 626 रुपीज। पीस पसंद आया, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मुझे वेलवेट मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, और वेलवेट में भी मैंने सोचा ये कलर ट्राई करती हूँ जो कि काफी डिफरेंट कलर है। रेड एंड पिंक्स तो हमने काफी देखे ही हैं और लाजपत नगर में ये चीजें मिल रही हैं अराउंड 4500 रुपीज की, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ऑर्डर करके देखती हूँ। ये ना एक स्कर्ट है और इसका धोती स्टाइल है, तो स्टाइल मुझे काफी डिफरेंट लगा क्योंकि वेलवेट में सिंपल सूट्स आते हैं जो स्ट्रेट पैंट और स्ट्रेट कुर्ते के साथ, तो ये कुछ डिफरेंट स्टाइल था, एक इंडो वेस्टर्न स्टाइल था जिसमें स्कर्ट है, तो स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है मगर लुक एंड फील है ना वो काफी चीप वेलवेट की है बट ओवरऑल कंफर्टेबल है। तो अगर आप वेलवेट में इंटरेस्टेड हो और बजट में इंटरेस्टेड हो तो आप ऐसा कुछ खरीद सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि कलर दूसरा लेना इसकी जगह। इसमें साइज मैंने मंगाया था 28 वेस्ट साइज जो कि मुझे कंफर्टेबली फिट आया क्योंकि इसमें इलास्टिक है, तो डेफिनेटली मतलब अगर आप 30 भी तो आपको फिट आ जाएगा, विच मीन्स कि मैं 30 ही हूं और मेरे को इलास्टिक आराम से फिट आया। जो स्टाइलिंग है इसकी वो भी अच्छी है फिनिश वाइज, कि जितना अच्छा ये फोटो में लग रहा है ना उतना अच्छा ये एक्चुअल में नहीं लग रहा था। ये मुझे पड़ा है अराउंड 688 रुपीस का जब सेल चल रही थी, तो मेनली मुझे ऊपर की वजह से अच्छा नहीं लगा। ये जो टॉप है इसकी ये चमचम जो है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, काफी चीप लुक दे रही है, और इसकी स्लीव्स भी बड़ी अनफ्लैटरिंग है क्योंकि 3/4 में जब बेल्ट स्लीव्स आ जाती है ना वो बड़ी अनफ्लैटरिंग लगती है, वो थोड़ी लॉन्ग होनी चाहिए तभी मजा आता है। ये एक शॉर्ट कुर्ता है और इसमें नीचे भी वही सेम सीक्वेंस वर्क हो रखा है एंड डेफिनेटली आई विल रिटर्न इट बिकॉज इसमें स्वेट की स्मेल आ रही थी विच इज क्वाइट अ टर्न ऑफ। ये मैंने साइज मीडियम में मंगाया था, 28 में मंगाया था, मीडियम साइज मुझे परफेक्टली फिट हुआ, गर्मी भी नहीं लग रही और ठंड भी नहीं लग रही, एंड दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 651, तो टोटल मिला के मान लो 1300 का ये टोटल सेट पड़ा मुझे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और इसमें से कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना, एंड इफ यू वांट टू सी अदर हॉल्स लाइक मीशो का चिकनकारी हॉल या फिर अर्बैनिक हॉल या फिर आजियो हॉल, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आई ट्राई टू मेक दैट एज सून एज पॉसिबल। यू नो कि बेबी के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक थैंक्स टू द हेल्प अराउंड मी, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।